हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज फिर से सुबह के 9:15 बजे, 9:15 हो रहे आज, तो फिलहाल 15 मिनट लेट हूँ, बट कल मैं और जल्दी था, तो 9:15 हो चुके हैं। काफ़ी टाइम पहले मैं उठ के नहा धो के तैयार हो गया हूँ और जा रहा हूँ पहले सलामी देने के लिए अंदर, ज्यारत कर लेता हूँ पहले बारगाह में जाके। उसके बाद एज़ ऑलवेज जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2-3 दिन से रूटीन हो रहा है, सुबह उठ के भी जाना है फिर मुझे नाश्ता खाने और नाश्ता लेने के लिए भी, तो पहले मैं अंदर चले जाता हूँ, ज़्यारत करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये रहा यहाँ का सुबह का नज़ारा, बट अभी भी सैंडस्टॉर्म गया नहीं है, अभी भी धूल धूल दिख रही है। चलो पहले मेरे हाथ में कुछ सामान है, मैं सामान किचन एरिया में दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अंदर चले जाऊँगा। सो गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता वगैरह तो काफ़ी टाइम पहले हो गया, अभी सब रेडी भी हो गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज हम लोग कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, मतलब कोई ज़्यारत है जिस जगह को बोलते हैं काजमीन, शायद वहीं जा रहे हैं। अभी पता नहीं, अगर लास्ट मोमेंट पे भी कोई प्लान में चेंजेस आ सकता है। तो अभी अम्मी ने तो बोला है कि काजमीन जाना है, तो वहाँ पर सो काजमीन में क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ, जो हमारे इमाम जाफ़र सादिक के जिनके लिए जिनके चलते कुंडे की न्याज होती है जिनके नाम पर, तो उनके साहबजादे वहाँ आराम फरमा रहे, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, वहाँ जाके आपको मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर मार्केट में, और हम जा रहे हैं किधर जा रहे हैं, एक और जगह जा रहे हैं, मैं भूल गई, तो मैं पूछ लेती हूँ फिर से, तो ये फिर से पूछ लेती हूँ। और ये जो आज का भी बुरका, ये भी फैशन अबाया की तरफ से है, और ये एंड एंड में मैंने लिया था, ये ग्रीन वाला कैफ को बहुत अच्छा लगा था तो मैंने लिया था। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, सब तो हो गया, मैंने ताला वाला भी मार दिया अभी रूम को, और अभी जा रहे हैं अम्मी लोग आके उतर चुके, मैं भी अभी पीछे से जा रही हूँ। सो मिलते हैं मैं आपसे सीधा कहीं ना कहीं पहुँच के, या फिर कैब में। फिर से मैंने बताया था उस दिन भी, तो यहाँ पर अभी अम्मी लोग अंदर आए, मुबारक की जैसे बनी हुई है छात्र बाबा की। बता दें ये आल से है, तो ये है शेख हाशमी जिससे अम्मी मुरीद बने, जिनसे इनसे अम्मी मुरीद बने थे। नहीं, ये हजरत अली यहाँ का समझा नहीं, चश्मा ले के पहन लिया, ऐसे चिपका तो स्ट्रिंग छोड़ के भाग जाएगा। ये देखो यार, ते गा टाइम रो बाजी भी बात लाला वाद रियल बाजी भी बात ले कर बात ये कर बात ले तेरे बच्चा बोल रहा समदानी को, तो बाप रे तेरा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, बताओ जरा नाम बताओ, जल्दी बता, एकदम गंदे बच्चे। छी बाबा बैटमैन है सर, ड्राइवर भाई पूछते मेरे को तेरा, तू अब्बू है। अच्छा हेलो बाबा, हम लोग को मां-बाप समझ समता नहीं। इराकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं काजमीन। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लिप में निकलने से पहले बताया कि यहाँ पे जो ज़ियारत है वो किन किन हस्ती की है, सो बेसिकली इमाम जाफर सादिक जो हमारे एक इमाम हैं, उनके साहबजादे इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी यहाँ पे ज़्यारत है। तो आप देख सकते हो जो मीनार आपको वहाँ सामने दिख रहे हैं, इंशाल्लाह मैं और आगे जाके भी, जहाँ तक कि अगर अंदर तो मोस्टली नई ज़्यारत के टाइम पे वीडियो शूट कर पाऊँगा क्योंकि अलाउड नहीं है जैसे कि अम्मी ने बताया,
बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा जितना हो सकता उतना वहाँ पे बताऊँ मैं आप। पूरी कपड़े की मार्केट और मेरा आदमी बेचारा मेरा बैग लेके चल रहा है, मेरे को बहुत कंधे पे वजन हो रहा था। क्रीम जगह यहाँ पर बनाना आइसक्रीम आइसक्रीम क्या यार ये कौन सा तरीका है, आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट खोल के रखते तो अच्छा लगता सर। घड़ियाल घड़ियाल एक पसंद है, घड़ियाल तुम घड़ियाल वाला कैसे खिलाने का था दिखे सभी जा रहे हम लोग अम्मी की तरह। चलो चले चलो चले कपड़ों की खदान में अम्मी घुसी है, ये रही अम्मी। मैं ऐसे क्रॉस कर रहा था अम्मी आवाज कैसे गई। यहाँ पर देखो ये आप वाला चॉकलेट एक है, अब इसको कौन खाता है ये और YouTube पे कौन खाता, कोई निके वालत करके देखता है ये, वो लोग खाते तो उन लोग का देख के अभी बोल रहा है ये चाहिए तो अब ये ले रहे हैं। अंकल को बोल, अंकल का आवाज है और यहाँ पर किसी को समझती नहीं, बोल हाँ जी ले। अभी 1000 रुपये दे पैसा दो अभी शुक्रन बोल शुक्रन। अभी यहाँ से कपड़े ले रहे अम्मी और के पता नहीं क्या है लोग। अभी मैंने शॉपिंग करी, एक शूज और पर्स लिया और अभी हम लोग यहाँ मार्केट में पहुँचे। हाँ पर अंदर जाना है पर पहले एक जगह रुकेंगे फिर देखते। ये देखो अम्मी तो अभी मैं अंदर जायरत करके आ गया और अभी यहाँ शॉप पे बैठे हुए थे तो यहीं पर खाना शॉप वाले भाई ने मंगा लिया अम्मी के लिए। तो ये देखो यहाँ पे चिकन है, यहाँ की ये रोटी है समोली। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि यहाँ पे इतने लोग पहचानते करते तो कहीं पर भी जाते तो खाना पीना सब चलते ही रहते हैं। ठीक है पहले खाना वाना खा लेते फिर उसके बाद हम लोग आपसे मिलते। सो ये देखो गाइज ये इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरबार का एंट्री का गेट है, यहाँ से एंट्री है बट मैं अंदर शूट नहीं कर पाया क्योंकि अंदर सेलफोन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो मैं अंदर जाके माशाल्लाह ज़ियारत करके आया और बहुत ही सुकून मिला अंदर मुझे। मैं चाहता था कि शूट करूँ बट पॉसिबली बिल्कुल भी नहीं था और कुछ सोर्स ही नहीं था कि मैं अंदर किसी के साथ थ्रू लेके जाऊँ या पता नहीं, बट मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ देखता हूँ अगर यहाँ से कुछ लोग खड़े हैं शूट करते हुए, अगर यहाँ से शूट करने मिल सकता है तो फिर अच्छी बात होगी। यहाँ से हाँ मेन एंट्रेंस का गेट दिख रहा है ये देखो। इतनी देर से कैफ ने मुझे बताया नहीं, मैं भी कैफ और मैं तो इतनी देर से अलग अलग ही थे। इधर अभी आए हम ज़ियारत करने के लिए, मैंने बता दिया मैंने इसके पहले वाली क्लिप में भी आपको थोड़ा मैंने बाहर में क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था शूट करना, मेरे को पता नहीं एकदम अजीब सा लग रहा था और मेरे को ऐसा शायद मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है तो मैंने शायद कैफ को बोला कि तुम चले जाओ। अभी बोलते ना सबको अलग अलग प्रॉब्लम रहती है ऐसा मुझे फील हुआ तो इसके बाद मैंने कैफ को बोला कि तुम चले आओ, मैं मंगता है बाद में इंशाल्लाह जब बुलावा होगा। यहाँ तक बोला अंदर नहीं बोला तो कुछ अजमाइश जरूर होगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मेरे पास कैमरा अंदर होता गाइस बहुत सी जगह है जहाँ अलाउड नहीं है कैमरा, बट जहाँ तक मैंने सुना है कि करबला और नजफ में अलाउड है। हाँ बट बहुत छुप छुपा के लेके जाना पड़ेगा और बहुत छुप छुपा के वो शूट करना पड़ेगा। ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ क्योंकि वो मेरी एक किस्म की सब मेमोरीज है यार। अभी
और शिरीन ने कुछ चीज़ें ली है, वो अभी नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को मैं हम लोग बता देंगे। अभी हम लोग थोड़ा ऐसी मार्केट में घूम रहे हैं। हाँ ये देखो। एंड गाइस मैंने नंबर शूज़ लिया, बहुत प्यारा शूज़ है, अच्छा सब इसने लिया है बस। वैसे भी मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसने मुझे पूछ पूछ के थक गए, मैंने मना किया। बट अभी से नहीं पूछा मैंने, बॉम्बे से पूछा। देखो ये देखो, मैंने बॉम्बे से पूछा था कि कैफ तुमको क्या चाहिए, तुम ले लेना। तो कैफ ने बोले, मना किया था। कैफ ने बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, दुर्रे नजर। मुझे सिर्फ एक स्टोन की रिंग चाहिए थी, बट एक की जगह मेरे को दो पसंद आई है, तो वो मैंने रखे अभी साल में, इंशाल्लाह वो जाके। कपड़े वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस एक इतर और एक परफ्यूम जो मैंने, यहाँ पर इराकी लोग बहुत ज्यादा पहले लगाया करती थी वाला परफ्यूम, मुझे बहुत पसंद है और मैं लूंगा जरूर हो जाने से। बस मुझे एक दो ही चीज चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ज्यारतें हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और होट फट चुके हैं मेरे तो नहीं फटे। चलो ठीक है, मिलता है आपसे थोड़ा टाइम। देखो हम लोग रिटर्न जा रहे हैं बाहर, तो अम्मी का पैर इतना दुख रहा है, अम्मी गाड़ी पे बैठ गए, बच्चे को अभी पूछ रहे कितना। चलो ठीक है, अभी यहाँ से निकल रहे हम लोग, जा रहे आगे सामान रखे एक जगह, सामान वगैरह पिकअप कर दे। तो अभी हम लोग जा रहे रिटर्न बाहर, सामान वगैरह पिक कर दे, फिर उसके बाद देखते कहीं और आगे जाना है या रिटर्न हमको हमारे रूम पे जाना है। तो जैसा भी होगा मैं आपको बताता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। सो ये देखो गाइज, ये मेन एंट्रेंस है अंदर ज्यारत के लिए, और ये मेन बाज़ार है यहाँ का जो मेन एंट्रेंस के तरफ पड़ता है। हम लोग एंट्री किए तो हम लोग ने पीछे के साइड से किया एंट्री, और बाज़ार तो बहुत बड़ा, रोड भी कितना चौड़ा है अच्छा खासा, और कुछ नहीं बस खाने पीने की चीज़ें ही आधे से ज़्यादा। तो यहाँ पर मॉल्स वगैरह है छोटे मोटे, किसके आइसक्रीम के कोन्स के कवर, कोन्स के, अरे यार कोन्स का कलर बोलने के चक्कर में कोन्स का कवर बोल रहा हूँ मैं। ताली हबीबी क्या तू कॉल है, और बाप रे रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है, पीछे से चल के यहाँ तक पहुँच गए, इतना चलने में तुम इतना थक गए और अम्मी यहाँ पहुँच गए, तभी मेरे आंग में बहुत जान आ जाएगी, टेंशन मत ले। चलो ठीक है, मिलता है आपसे थोड़े टाइम में। तभी जूस पीने रुके, देखो यहाँ का अनार देखो कितना बड़ा है, ये नींबू है, खरबूजा है, सेब। बोल क्या बोला, बोल बाबा बोल जी भी हादा, बोल बाबा जी भी हादा, नहीं आता देखो ये एप्पल जूस देखो यहाँ का कैसा है, ऐसा लग रहा है फटा हुआ दूध है। अबे प्योर एप्पल जूस है, और इसी चलेगा। और अनार देखो, अनार देखो, अनार ऐसा लग रहा है गुलाबी गुलाबी है, गुलाबी। और हमारा खरबूजा, अभी जूस पी के निकले तो हमको ये दरवाजे से अभी उस दरवाजे तक जाना है, और उसके बाद हमको मिलेगी टैक्सी। तो यहाँ पे अम्मी और शिरीन दोनों ही बैठ गए। सो गाइस हम लोग आ गए थे रूम पर, पहले सामान रखे, फ्रेश फ्रेश हुए सब लोग, मैं भी थोड़ा फेस वॉश ये सब कर ली, थोड़ा चेहरे को आराम दिया। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से कराड़ा मार्केट। कराड़ा मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत देखेंगे कुछ ना कुछ वहाँ पर भी, और इंशाल्लाह जो मैंने लिया है आप लोग को भी इंडिया जाके बताऊँगी मैं, यहाँ पर तो नहीं, और अभी दिख नहीं रहेंगे हम लोग क्योंकि पीछे धूप आ रही है। सो अभी फटाफट कराड़ा मार्केट जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, और जाके अभी डायरेक्टली मिलते हैं आपसे। तो बने रहिए। कमेंट था कि पैकेजिंग का आप लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं वो सब बताना, तो जब मैं यहाँ से निकल के टाइम पर पैकेज करने के टाइम पर थोड़ा बहुत शूट करी तो कर पाऊंगी, जब इंडिया में अगर पैकिंग करूँगी तो आप लोग को बताऊँगी। वो पैकेजिंग की बात नहीं हुई है, पैकेजिंग का मैंने सिर्फ ऊपर से सिर्फ देखी थी, टूर का पैकेज वगैरह। अच्छा टूर का पैकेज मैंने सिर्फ मैंने देखी, मैंने
पैकेजिंग का वैसे सोची मैं। नहीं नहीं मेरे को लगा वैसा बोल रहा है। ठीक है चौप अभी वही डायरेक्टली मार्केट में जाके ये मेरा पचका हो गया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कराड़ा मार्केट और अम्मी शिरिन गए हैं अंदर। फोन का कुछ कवर बोलते हैं यहाँ के फोन के कवर अच्छे खासे टिकते हैं ऐसा वैसा बोल रही थी शिरिन। तो अंदर गए ये लोग चेक करने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे थोड़े कपड़े वगैरह में मेरे लिए भी एक आध कपड़े वगैरह टी शर्ट ट्रैक पैंट ऐसा कुछ सेट देख लेता हूँ यहाँ पे देख सकते हो आप। और अम्मी भी बोल रहे थे कि रोड साइड के जितने कपड़े हैं यहाँ पे वो बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा टाइम टिकते। तो लेट्स सी और मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम में। पर करके हम लोग ने कैफ के लिए मुझे ट्रैक टी शर्ट बहुत अच्छे लगे तो अभी दो ट्रैक लिया और दो शॉर्ट और टी दो शॉर्ट्स लिए ना दो शॉर्ट लिए तो अभी लेके अभी हम और अम्मी लोग आगे निकल गए हुक्का पकड़ने के लिए। और तो अभी जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं देखो मेरे को टॉर्च ठोकने आ रही है तो अभी हम लोग जा रहे हैं हुक्का पीने के लिए और टिक्का खाने के लिए। चलो चले नीली गगन में बाय बाय कर रहा था। बाय बाय नहीं कर रहा था तो क्या कर रहा था फिर तो ये देखो हमारा चिकन और मटन सब आ चुका है दबा के ऑलिव्स वगैरह ये वो पूरा थाल सजा हुआ है यार क्या बात है। शिरिन ने भाई को बोली मिर्ची तीखी नहीं है तो भाई ने पूरा रैक ही उठा के लेके आ गया उसके लिए मिर्ची का। कहा शिरिन अभी कितनी का तीखा लग गई ना इतने में अभी लगी हो गई कुछ अब पूरी खाना। बोल बात कर उसको एक मिल गई उसको जो बहुत थीकी थी बेटा कोकला ना खा ली उसकी हवा टाइट हो गई। हवा नहीं टाइट तुम्हारे इधर इसके अंदर मंगाए थे यहाँ पर बकरा नहीं मेंढा नहीं दुम्बा कटता है तो ये देखो दुम्बे की चर्बी कलेजी और गोश्त ये है चर्बी देखो इसमें भुना हुआ टमाटर बैगन मिर्ची नींबू करा चर्बी हाँ और उसका भी पी रहे हम लोग मस्त है ना। भाई खाना खा रहे थे हाँ ये पाकिस्तानी है और इनने देखो यहाँ पे पाकिस्तानी खाना तो खाना तो खा रहे थे तो हमको उठा के दिए बोले पाकिस्तानी खाना एक बार टेस्ट करने। अच्छा खड़ा है ना ये लाल टी शर्ट पे कौन है सब नारी हो इधर देख के बोलता है वो कौन सा किबरी दिबरी दाब 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 यस ये इधर देख के बोल जल्दी दीवान से ऑफिस से मतलब जब दोपहर को बताई थी उधर से काली चाय और तिल की बिस्किट आई है और पानी और बैठे थे और मैंने आप लोगों को बताया था जो सुदानी बाबा यहाँ पर थे जिनका इंतकाल हो गया था उनके एक और दूसरे सुदानी बाबा थे उनने देखो इतना सारा सामान ला के दिए बैठे जगह पर हमने ऐसे ही बैठे थे और इतना सारा सामान ला के दे दिया। देखो खाने में पूरा चाइनीज थीम है सिवाय दाल के ये चिकन सूप है ये मलाई है वो उधर रखी हुई देखो हम यहाँ दाल के दे रहे नूडल है चिकन चिल्ली है और ये पता नहीं कबाब और फ्राइड राइस है। हम एकदम बाहर बैठ के आज खा रही हूँ खाना उल्टे, 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 उल्टे। तो गाइस इससे पहले वाली क्लिप ने आप क्लिप में आप लोगों ने देखा कि जो बड़े पीर सरकार है शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो बड़े पीर सरकार है उनके बड़े साहबजादे बड़े फर्जंद ठीक है उनके जो बड़े फर्जंद है शेख अब्दुल जब्बार
तो उनके रोज़े मुबारक की सफाई हो रही थी और आज ही उनका नया ताज जो लेके आए थे, मैंने वीडियो में कैप्चर किया है, नया ताज को आज ही खोला गया है। तो मैं इतना लकी था कि मैं वहीं खड़ा हुआ था, तो मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड भी किया है। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी कि मतलब मैं बोलने में अगर बोलते ना थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस चीज़ के लिए मतलब इस चीज़ के होते हुए जब ये चीज़ हो रही थी मैं सामने ही खड़ा था, मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। सो उम्मीद करता हूँ आपको वो चीज़ भी पसंद आई होगी। हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ें भी ब्लॉग्स के थ्रू बताए। और अभी हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खा लिया है, खाना खा तो लिया है, अम्मी लोग सब ऊपर चले गए हैं, अभी मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ। देखते अगर कुछ और कुछ प्लान, तो मेरे को नहीं लगता क्योंकि तकरीबन अब बज चुके हैं 11। सो आई गेस बस यहीं ख़त्म होता है आज का हमारा दिन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कैफ शेरिन व्लॉग्स। और प्यार इसी तरह देते रहिए और प्यार बढ़ाते रहिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों को और भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यारतें हम दिखाने की पूरी सी पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।